हिंदी गौरव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मास्को में हिंदी दिवस का आयोजन बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया गया। मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास के डीपी धर सभागार में आयोजित हिंदी दिवस पर मुख्य अतिथि रूस में भारत के राजदूत पीएस राघवन की धर्मपत्नी श्रीमती बारबरा राघवन एवं भारतीय राजदूतावास में प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी मामले के काउंसलर अरविंद दीक्षित ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदी गौरव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रजत कुलश्रेष्ठ ने हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषा पूरे विश्व भर में तीसरे नंबर की भाषा के रूप में बोली और सुनी जाने वाली भाषा है। सभी आदरणीयों को मेरा परम नमस्कार। हिंदी दिवस ज्यादा समय नहीं लूंगा। हिंदी दिवस एक दिवस ही नहीं है, खाली इसको डे नहीं बोल सकते। ये हमारी भाषा को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए एक दिवस रखा गया था। सन 1949 में जब संविधान की बैठक हुई तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और 1953 में इसके लिए एक समिति गठित करी गई और 14 सितंबर 1953 को घोषित किया कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाएगा पूरे विश्व में। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ हिंदी गौरव के बारे में। हिंदी गौरव एक मुहिम है हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए। हिंदी हमारे संपूर्ण विश्व में लगभग तीसरे स्थान पर आती है, जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और चीन के बाद इसका ही नंबर आता है चीनी भाषा के बाद। तो हम लोगों की ये मुहिम है हिंदी गौरव कि हिंदी को हम विश्व पटल पर स्थापित करें और हिंदी भाषियों को और हिंदी को एक उनका स्थान दिलाएं जो कि सम्मान के पात्र हैं। बस वाणी को विराम करता हूं और हिंदी गौरव के बारे में आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। वहीं हिंदी गौरव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रजत कुलश्रेष्ठ ने हिंदी गौरव के कार्यों का उल्लेख किया, साथ ही हिंदी गौरव को प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित लोगों के साथ साझा भी किया। बताते चले कि सन 1949 को देश की भाषा प्रचार समिति के द्वारा हिंदी को भारत की अधिकृत भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के निर्णय को देखते हुए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। इससे पूर्व आयोजन की शुरुआत भारतीय परंपरा के साथ ईश वंदना के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहाँ मास्को में रहने वाले भारतीय बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर समा बांध दिया। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक रात में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब तू ही यह पता नाम तेरा किस रोज दिलवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। धन्यवाद एवं शुभ दिन। जाग न रहा इंसान जहाँ सूरज की किरणों के साथ, चल रहा बचपन जहाँ मजदूरी करने में, दो वक्त की रोटी के लिए तिल तिल जलने में। मम्मी जहाँ लोगों के घर छूटे बर्तन धोती है, और छोटू जहाँ आज भी किसी को चाय पिला रहा है। ऐसे कई मम्मी और छोटू हैं जिन्हें
दिखाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। नाम तो उसका पता नहीं जो गंदगी से खाना चुन रहा है, और वो जो हाथ फैलाए तो पैसों की राह देख रहा है। उस जिंदगी से निकाल बाहर उनको, एक नई जिंदगी से पहचान कराना है, ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। आरती सोनी सिर गई सिर वेरनी युगनिया बानिया को हिंदी गौरव सम्मान से नवाजा गया। वहीं भारतीय राजदूतावास में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में मास्को स्थित वरिष्ठ पत्रकार ददन उपाध्याय की काव्य रचित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार ददन उपाध्याय पिछले 4 दशकों से रूस में हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ पत्रकारिता में विशेष अनुभव साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ और अपने संस्मरणों के बारे में कुछ कहूँ। बड़ा कठिन है अपने संस्मरणों के बारे में कुछ कहना, क्योंकि लगभग 36 साल के अपने प्रवास में यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ इतना सब कुछ देखा है, इतना कुछ यात्रा की है, सारे सोवियत संघ की, एक एक देश की सोवियत संघ के, कि इतना लोगों को देखा है, उनके जनजीवन को देखा है, गाँव में गया हूँ, उनसे बात की है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के लोगों के प्रति और भारत के प्रति न केवल रूस की बल्कि पूरे सोवियत संघ के भूतपूर्व सोवियत संघ के देशों की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ है और अब विस्मरणीय है। वो भारत के लोगों को आप पहचान लेते हैं कि आप भारत से ही आए हैं, कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और हिंदी के प्रति उनका लगाव इस बात से ही पता चल जाता था कि
कि वो मुझे देखते ही अगर किसी गांव में जाता हूँ तो हिंदी फिल्मों के बारे में गाना गाने लगते थे। राज कपूर, नरगिस, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, उनके जीवन के बारे में पूछने लगते थे। बहुत सी दादियाँ और नानियाँ तो अभी भी उनके मन में ये गलत फहमी है कि शायद राज कपूर जिंदा है, अभी जीवित है, और वो मुझसे पूछा करती थी कि क्या आप बता सकते हैं कि अभी भी वो फिल्मों में काम करते हैं। तो इससे लगता है कि वो हिंदी फिल्में कितना देखते रहे हैं और हिंदी से उनका इस माध्यम से कितना लगाव रहा है। दर्शकों, मैं हूँ भारतीय दूतावास मॉस्को में। इस समय हिंदी गौरव दिवस पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। हिंदी गौरव और विश्व दर्पण की तरफ से हमारे साथ दर्शकों समाचार की संपादक हैं आरती जी। कैसा लग रहा है? मैडम नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय मॉस्को से आज हम भारतीय दूतावास पर इस समय है। हमारे साथ राकेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। राकेश जी, कैसा लगा आज हिंदी दिवस का आयोजन? भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चांस दिया बोलने का। और अच्छा तो बहुत लग रहा है, इसलिए कि हमारे देश की मातृभाषा है पहली बात। दूसरी बात कि इस फॉरेन कंट्री में, मॉस्को में ऐसा कुछ होता है तो अपने आप में ही गर्वाने महसूस करते हैं। हमारा बेटा आज एक प्रोग्राम करेगा हिंदी कविता के ऊपर, और हमने अपने लड़के को यही किया। इंडियन स्कूल में जो भारतीय दूतावास के स्कूल है उसमें हमने फॉरेन लैंग्वेज की जगह हिंदी को चुना कि हिंदी वो पढ़े, वरना ऑप्शन तो फ्रेंच की थी, जर्मन की थी, लेकिन हमने घर में तय किया कि हमारा बेटा हिंदी सीखे पहले। दूसरे भाषाओं से ज़्यादा हम अपनी मातृभाषा को मातृभाषा उचित समझे। हिंदी के सबसे बड़ा गौरव है कि वो एक महान संस्कृति की भाषा है, कि वो सिर्फ हिंदी ही भाषा की संस्कृति नहीं, लेकिन हिंदी के पीछे संस्कृत भाषा है, हिंदी के पीछे प्राकृत भाषाएं हैं, पाली भी। तो हिंदी सीखते सीखते हम सारी भारत की संस्कृति में प्रवेश कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस हिंदी का सबसे बड़ा गौरव। और जो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का प्रयोग हो या नहीं, ये मेरे ख्याल में इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे अच्छे शुभकामनाएं हिंदी दिवस के अवसर पर, और मैं मास्को राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ती हूँ, और मुझे हिंदी और भारत बहुत पसंद आते हैं, मैं इससे प्यार करती हूँ। और मैं कुछ हमारी भारतीय यात्रा के बारे में कहना चाहती हूँ। ये पिछले साल में जनवरी में हुई, और हम तीन शहरों को देखा, ये तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, और वे मुझे बहुत पसंद आए। और अब जानते हैं मैं भारत से प्यार में पड़ी। क्यों? क्योंकि भारत तो एक बड़ा संसार है, वहाँ बहुत रोचक स्थान है, सुंदर मंदिर, बहुत अच्छे और खूबसूरत लोग, और मैं वहाँ हमेशा लौटना चाहती हूँ। और हमारी अध्यापक जी यवगेनिया युद्धनवालिना ने कहा कि हम अब इंडिया एडिक्टेड पीपल हैं, क्योंकि हम वहाँ हमेशा लौटना चाहती हैं। जय हिंद, धन्यवाद।
मैं इंडिया जाया करती हूँ इंडिया से और यहाँ वहाँ के लोगों से सीखने के लिए। जब मैं पहली बार इंडिया आई थी तो इससे मैं तब जब आई थी तो इससे पहले मैं हिंदी 4 साल तक सीख चुकी थी और जब मैं इंडिया पहुँची थी तब बहुत जल्दी समाज में आया कि मैं हिंदी में कुछ नहीं जानती, कि मेरी भाषा इतनी किताबियाँ, इतनी श्रेष्ठ, इतनी व्याकरण भरी कि कोई कुछ नहीं समझता है मुझसे, ना मैं किसी से। इसमें ये प्रॉब्लम भी थी कि हिंदुस्तानी लोग बहुत नेक और बहुत दयालु है और जब वे देखते हैं कि कोई परदेसी हिंदी बोलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत तारीफ बजाते हैं, वाह वाह कितनी सुंदर हिंदी बोल रहे हैं। और ये मैं मानती थी तब तक जब तक मैंने सुना था कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा, तुमने समझा ये क्या बोल रही है? तब मैंने समझा कि आज मुझे अपने किताबों, अपने व्याकरण, अपने मास्को के प्रोफेसरों को धन्यवाद अदा करना है और उन्होंने जो कुछ लिखा है या तो भूल जाना चाहिए या तो आपने याददाश्त की किसी सुदूर सुदूर कोने में रखना चाहिए और काम खोलकर लोगों की बोलियाँ सुनी। मैं अभी यही करती रहती हूँ, जब कहीं दिल्ली के मेट्रो में बैठी हूँ तो ऐसे निरपेक्ष मुंह बनाकर लोगों की बोलियाँ सुनती हूँ। सभी अपना आकार भाषा के द्वारा लेते हैं, प्रत्येक की अपनी भाषा होती है जिसका विकास उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। भाषा रूपी इस सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज करने से यह निरंतर हास होती जाती है। यूनेस्को के विश्व भाषाओं को खतरे में बताने वाले एटलस में यह बताया गया है कि किसी भी समुदाय की भाषा तब खतरे में पड़ती है जब समुदाय के 30% बच्चे उसे नहीं सीखते। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 65 करोड़ से अधिक लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदी को बहुत अच्छी तरह बोलते एवं समझते हैं। अब रूस, पूर्व सोवियत संघ के देशों, यूरोप के अनेक देशों व अमेरिका आदि में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मॉरिशस, सुरिनाम, त्रिनिदाद, फिजी, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में हिंदी भाषाओं की बहुत बड़ी संख्या है। इन देशों में हिंदी की पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा अहम स्थान है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में भी उसे मान्यता मिले हमारा यह पुरजोर कर्तव्य बनता है और इस दिशा में हम प्रयत्नरत हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री ददन उपाध्याय जी का प्रथम कविता संकलन छींट गए दिन अंजुरी भर का विमोचन भी किया जा रहा है। उसके साथ ही हिंदी गौरव समाचार पत्र के निर्देशक श्री रजत कुलश्रेष्ठ एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज सक्सेना द्वारा हिंदी गौरव समाचार पत्र के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है तथा प्रोफेसर सर्गेई सर्बियानी एवं येवगेनिया वनिना महोदयों का भी आज सम्मान होगा। इसके साथ ही स्कूल के कुछ बच्चे भी आपके सामने कविता पाठ करेंगे। मैं अपनी तरफ से और राजदूत महोदयों की तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी में ही अपना उद्बोधन दिया। ये हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में गौरव वाली बात होगी। मास्को से मनोज सक्सेना की रिपोर्ट।